आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर एक दादी का वीडियो उनके कारनामे की वजह से चर्चा में रहा। दरअसल दादी ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पुल से गंगा में छलांग लगा दी, जिसका किसी ने बाकायदा वीडियो बना लिया। इस उम्र में उफनती गंगा नदी में बेखौफ छलांग लगाना और आराम से तैरते हुए किनारे तक आ जाना, ये वाकई दांतों तले उंगलियां दबाने वाला था। हर की पौड़ी से बिना किसी डर के गंगा में छलांग लगाने वाली इस बुजुर्ग महिला की उम्र करीब 70 साल से ज्यादा होगी। जिस उम्र में चलने फिरने में पैर और झुकने में कमर जवाब दे जाती है, उस उम्र में इस तरह के स्टंट करने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। मगर इस बुजुर्ग महिला ने इस सोच को गलत साबित कर दिया। बताया जा रहा है कि हरियाणा के जींद की रहने वाली बुजुर्ग महिला हर की पौड़ी पर स्नान कर रही थी। इसी दौरान वहां कुछ युवा ऊंचे पुल से गंगा नदी में छलांग लगा रहे थे, जिनको देख बुजुर्ग महिला को भी अपनी जवानी के पुराने दिन याद आ गए और वह जोश में आ गई। देखते देखते वह भी पुल पर पहुंची और सीधे गंगा में छलांग लगा दी। इस हैरतअंगेज कारनामे को मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। फिर देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया। हालांकि दादी के स्टंट वीडियो को देख सोशल मीडिया यूजर्स को कुछ पल के लिए सांसें थम सी जाती हैं, मगर जब दादी फुर्ती से तैरते हुए किनारे पहुंच जाती हैं तो लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। इधर जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो CTSP स्वतंत्र कुमार ने मामले का संज्ञान लिया और कहा, इस तरह के स्टंट करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। समय समय पर लोगों से हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्रों में स्टंट ना करने और सुरक्षित गंगा स्नान करने की अपील की जाती है। लोग सुरक्षित ढंग से गंगा स्नान करें, इसको लेकर पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। फिलहाल दादी के वीडियो देखिए। अब इस वीडियो पर फिर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।